अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल वीडियो लाया हूँ। ये जो आपको एक ब्लेंडर ट्रैक नज़र आ रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया है मोबाइल के लिए। ये लाइव ट्रैक करता है, 3D ट्रैकिंग, और वो भी बहुत ही कमाल की। अब सबसे पहले मैंने जब प्ले करने से पहले इसको मैं ऐसे दाएं बाएं आज स्लो स्लो वर्क कर रहा हूँ। ऐप वाले खुद बताते हैं कि आपने थोड़ा सा स्लो चलना है। तो ये लाइव ट्रैक कर रहा है, इससे मैं पता कौन सा एरिया ट्रैक हो रहा है। हो सकता है बाद में हम कुछ वीडियो बनाते हैं और वो ट्रैक उनको आफ्टर फिट भी नहीं कर पाता। तो भाई ये लाइव कर रहा है, आपने दाएं बाएं ले जाना है। अभी रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक नहीं करना, आगे पीछे ले जाएं। और मज़े की बात, जितना मर्जी इसमें आप सफ़र करें, एक ही सीन के अंदर ये ट्रैक करता जाएगा। डबल क्लिक किया, ये ट्रैक लग गया, वो बच्चा उठ गया, कोई मसला नहीं, मैंने दूसरा बिठा दिया है। कि अभी वो रिकॉर्डिंग उनकी शुरू नहीं हुई, अभी जहाँ ये बैठे हैं वो एरिया ट्रैक हो रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक हो रहा है। मैं डबल क्लिक जहाँ भी करता हूँ वहाँ वो ट्रैकिंग हो जाती है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही। एरिया ट्रैक पहले करना है, एरिया ट्रैक पहले करना है, ये एक बेहतरीन मेथड है। उसके बाद वापसी आके देखें, ये बातें कर रहे हैं, उनको मैंने जो भी समझाया है ठीक है। अब मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, वो ट्रैकर मेरे वहाँ ही पक्के फिट बैठ गए हैं। अब मैंने प्ले रिकॉर्डिंग वाला बटन ऑन किया और देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और ये रिकॉर्डिंग चल रही है ठीक है। और अब मैंने उनको समझाया ऐसे किसी ख्याली चीज़ से डरना है, अब ये उससे डर रहे हैं और देख रहे हैं उसको कि ये क्या चीज़ है। फिर मैं इसका डेटा ये प्ले पर क्लिक करके वहाँ चला जाता हूँ, उसके बाद आपके सामने ये ओपन हो गया। जितना डेटा मैंने रिकॉर्ड किया है इनको सिलेक्ट करना है, नीचे आपको शेयर बटन नज़र आ रहा है, वहाँ से आपने किसी को व्हाट्सएप में या अपने व्हाट्सएप में भेज देना है, उसको डाउनलोड करके कंप्यूटर में। और अब हम आते हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पर। हाँ, तो हम आ गए हैं ब्लेंडर की स्क्रीन पर ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम एन प्रेस करते हैं, इधर हमने जो वो उसका प्लगइन किया हुआ है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है। तो ये आता है ब्लेंडर ट्रैक, जो जिस ऐप से हमने मोबाइल में डेटा रिकॉर्ड किया था। इसको करते हुए यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, देखिए अब वो कैसे लाया, तो वो मैंने शेयर करके आपको पहले ही बता दिया कि मैंने व्हाट्सएप के जरिए शेयर करके ले आऊँ। तो ये गालबन ये तीसरे नंबर वाला वो डेटा है, अब वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करूंगा और वो डेटा आ जाएगा। अब इसको देखने के लिए मैं जीरो प्रेस करूंगा और एंड फ्रेम पर जाके अब मैं चलाता हूं, तो ये मेरे पास आ गया। ये है कैमरा, कैमरा में हम जाएंगे, जाने के बाद देखते हैं ओपेसिटी इसको थोड़ा सा और कर दे, तो ये देखिए अच्छे से बेस्ट होगी ठीक है। अब वो जो सीन हमने क्रिएट किया था वो हमारा ब्लेंडर में आ गया है और कामयाबी से हमारे पास है वो आ चुके हैं। समझ आ रही है ना आपको कि जी ये आ चुके हैं हमारे पास, ये जो ट्रैकर है ये आ चुके हैं। अब मैंने एक को सिलेक्ट करना है, किसी एक को, सॉरी ये जो जिस मुंह से आपको दिखाई दे रहे हैं ना एक्स वाई जी, मैंने यही आ चुके हैं, एक को पकड़ना हिलाना नहीं। शिफ्ट एस प्रेस करते हुए कर्सर टू सिलेक्टेड, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो भी चीज हम लेंगे वो इसी जगह पर आएगी ठीक है, कर्सर टू सिलेक्टेड। अब इसके बाद हम यहाँ शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं एक प्लेन, तो वहाँ ही आया, एस प्रेस करके इसको बड़ा कर देते ठीक है। अब यहाँ हमने ने एक वीडियो अपनी इंपोर्ट करेंगे, सीसी में गए हम, ये प्लगइन आपने कर लेना है, इंपोर्ट करेक्टर पर आपने क्लिक करना है, डेस्कटॉप पर जाना है और यहाँ जाके वो डाइनो ये हमने ले लेना है, थोड़ी देर में वो डाइनो आ जाएगा। यहाँ से मैं पता चल गया कि वो उसके कलर नहीं ठीक आ रहे, तो नो टेंशन, हम फाइल में गए, इंपोर्ट में गए, एक्स में गए, डेस्कटॉप पर गए और जाके वो फाइल इंपोर्ट कर दी। अब ये बहुत ऊंचा है,
इसको शिफ्ट एस, शिफ्ट एस सर टू सिलेक्टेड इसे जाना चाहिए। शिफ्ट एस नहीं जा पा रहा, गड़बड़ खा रहा, इसको मैनुअल मत जाना पड़े। शिफ्ट एस कर सर टू सिलेक्टेड टू वर्ल्ड ओरिजिन नहीं जा रहा, तो नीचे वाला भी उखड़ गया। शिफ्ट वो तो हमारा वाई रहेगा, और इसको हम बंद पाते हैं जी सी सी एक्स सी सी एस राइट क्लिक करके ओरिजिन ज्योमेट्री सी सी एस। अब हम जीरो प्रेस करते हैं तो इसको हमें पता चल गया कि थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। आर सी डबल एक्स, हाँ डबल एक्स में यहाँ बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसको एस दबा के थोड़ा सा छोटा कर देता कि हमारी वीडियो के हिसाब से आ जाए कि इतना। हम इसको चलाते हैं, क्या करता है ये चीज़ें। तो अभी वो बच्चे जो है ना वो डरे नहीं, इसका मतलब है इस लेयर को अभी और पीछे रखना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा और बच्चों वाली लेयर को आगे अगर करते हैं। आगे भी करना, और इसको इसके थोड़ा सा और पीछे भी ले जाना है। ये 3D में इसको पीछे ले जाना, क्योंकि जब बच्चों ने देखना तुम्हारे बच्चे देख रहे ये, ठीक है। तो जी ये थोड़ा सा और आगे की तरफ होना चाहिए वहां से, ठीक है। फिर हम इधर ले जा रहे हैं, सेटिंग तो करनी करनी पड़ेगी। अभी हम 7 पर, मैं ये याद आ गया है कि इसने इसे हम यहाँ ले जाना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर घुमा देते हैं, ठीक है। अभी हम फिर जीरो प्रेस करके लाते हैं, अब देखते हैं। मैं इसको जरा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा से सीन सेट हुआ, लेकिन हमें पीछे जाना है, शेडो वगैरह तो बाद में बनाना ना। ये बातें कर रहे हैं, बातें करते 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 यहाँ तक ही नहीं देखना चाहिए था, है ना, कि यहाँ इसे ये देख पाते। और अब थोड़ा सा बच्चों से आगे चला गया है, परे इसको थोड़ा सा इधर लाना है, यहाँ से और पीछे। इसको जी एक्स, एक बार एक्स दोबारा एक्स लोकल में चला जी जाता है, ठीक है। या जी ना अच्छी तरह ये देख लेना है, एडजस्ट करके बार बार आगे पीछे टाइम लाइन तो ले जाने पड़ेगी, जब करोगे तो फिर समझ आएगी। और ये पहले आपने जो भी एनिमेशन बनानी है ना, अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उस हिसाब से ही आप सोच के बनाएंगे वहाँ। ये तो रिग है, इसको तो हम अपनी मर्जी की एनिमेशन कर सकते हैं, इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे मुंह खोले बंद करें तो जैसे भी चले, क्योंकि इसका चलना फिरना हमने खुद सेट किया हुआ है। इस तरह आप किसी भी वीडियो में असल और नकल सीन को मिला सकते हैं,
अब ये ज़रा जो लाइट है इसकी और ज़रा एडजस्टिंग कर रहे हैं, और ये तो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है जहाँ आपको शेडो देना है। और ये जो VFX होता है ना, ये होता है कि बाहर से आपने अपने ऑब्जेक्ट जो इंपोर्ट करने या बनाने ट्रैकिंग करके डेटा लाया जाता है, और वहाँ दोनों चीज़ों को मिक्स करके कंपोजिट करके फिर ये चीज़ बनाई जाती है। अब यही जब ली जाई जाएगी आफ्टर इफेक्ट में ये शेडो का, और ये जो पास से ले जाके वहाँ हम कंपोजिट करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट इमेज रेंडर होंगे। बाकी आफ्टर इफेक्ट में नीचे लेयर वो रखेंगे, ऊपर फिर दूसरी रख के फिर हम देखते हैं कि उसको हम कैसे कर पाते हैं। तो बार बार एडजस्ट प्ले, फ्रेम बाई फ्रेम प्ले करके बड़े ही सुकून से ये चीज़ बनानी है। तो जिस तरह की मेहनत करोगे उस तरह। हाँ, तो हमारी जो फाइल है ना वो ब्लेंडर में रेंडर हो चुकी है, ठीक है। ये सारी मैंने ना रेंडर कर ली है, और ये PNG सीक्वेंस में मैंने पेन की है। अब आदे मुन्ना, आपके लिए स्पेशली कि प्रोजेक्ट बेस आप काम कर रही हो, तो मैं सबसे पहले समझा दूं कि मैं यहाँ गया था, ठीक है। ये रेंडर सेटिंग है, यहाँ साइकिल होता है या EV होता है तो मैं साइकिल में था, यहाँ CPU होता है या GPU होता है तो मैं GPU में था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं नीचे गया हूँ, सैंपल इसके मैंने 32 किए हैं। ये डी नोइज, ये व्यू पोर्ट का डी नोइज है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। अब नीचे जो एक रेंडर में आता है डी नोइज, इसको क्लिक किया, और ये सैंपल, व्हाट इज सैंपल, ये सैंपल जितने बड़े होंगे रिजल्ट अच्छा होगा लेकिन टाइम ज्यादा लेगा। याद रहे ये ऊपर वाले मेन्यू में मैं हूं, हर चीज की मैं डिटेल आपको समझा रहा हूं। तो इस रेंडर में मैंने ना क्या किया है कि ये 64 सैंपल ये मैंने रखे हैं, उसके बाद डी नोइज यानी कि ये क्लिक किया है, डी नोइज को बाकी मैंने नहीं छेड़ा। अब नीचे 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 चलते हैं तो मेरे पास आता है फिल्म, फिल्म में आके मैंने, या ट्रांसपेरेंट ना करता तो वो देख, जो पीछे मैंने ये लगाया है ये कहलाता है HDR। क्या कहलाता है? HDR। तो ये HDR मैं यहां से लिया, इसको डाउनलोड करके भी लगाया जा सकता है अलहदा से भी, ठीक है। ये कि अडोन किया हुआ असिस्ट ब्राउजर, ठीक है। तो ये यहां से लिया है। अब फिल्म में जाके जैसे मैं ट्रांसपेरेंट करता हूं तभी वो खुद गायब हो जाता है, लेकिन गायब करना तो आना किस लिए, तो ये एक एनवायरनमेंट होता है जो इर्द गिर्द की रोशनी हमें देता है। अगर हम यहाँ क्लिक करें और इस पर भी क्लिक रखें और यहाँ जाके फ्री यानी अल्लाह वास्ते वाले, तो यहाँ ये कुछ HDR आते हैं, ये एक 360 इमेज होता है, चारों तरफ से हमें रोशनी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कर दिया कि हमें वो ना लगे। कहाँ से आया है? ऊपर ऊपर से फिल्म, फिल्म में ट्रांसपेरेंट। आपने खुद कहा था वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए। अब नीचे कलर मैनेजमेंट में मैं दूसरा RGB फिल्में, या इसमें आप स्टैंडर्ड भी कर सकती हो, ठीक है। बैरल मैंने इसी पर रखा है, और यहाँ मैंने छेड़ा ऊपर साइकिल। अब आउटपुट प्रॉपर्टीज में से जितने फ्रेम है वो तो जहरी बात है मैंने यहाँ ही रख लिए, तो वहाँ खुद ब खुद आ गए। अब मैं यहाँ गया, पहले मैंने जो एक रेंडर लगाया था वो मेरा ख़राब हुआ है, उसमें मैंने यहाँ जाके किया था वीडियो पर, अब मैंने यहाँ PNG पर किया है, ठीक हो गया। ये RGB अल्फा नहीं आता, कब तक नहीं आता, जब तक वो नीचे हमने एक सेटिंग करते हैं तब तक नहीं आता, ठीक है। वो मैंने पीछे भी पहले भी आपको समझा दी है कि जाके आपने मेटा और इस कलर मैनेजमेंट को भी मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। वो सेटिंग मैं आपको समझा चुका हूँ कि RGB अल्फा कैसे लाना है आपने, वो QT में क्विक एनिमेशन करके वो लाना, वो पहले स्टार्ट पे वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसको, यहाँ जाके हमारे पास विजिबिलिटी आती है, और
यहाँ जाके हमारे पास शेडर कैचर आता है। अगर शेडर कैचर जो है ना ये हम ऑन नहीं करते, और ये कब ऑन करना है, जो नीचे प्लेन है मैंने उसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि सारा जो शेडो है ना ये देखें ये इसी पर आना है, इसी पर आना है। और अगर हम ये देखें यहाँ किस जगह ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, यहाँ जाके शेडो कैचर ऑन करोगी तो तभी जाके वो प्लेन गायब हो जाएगा और नीचे शेडोज रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? और पीएनजी में मैंने वो तो आपको बता ही दिया है कि यहाँ जाके मैंने 60 फ्रेम रेट है और यहाँ से मैंने ना इसको रेंडर किया है, ठीक है। ये एड्रेस दिया खाली और फाइल जो है ना आगे चली गई। अब वो जो मैंने रेंडर किया था वो मेरा अल्फा में आ गया है, ठीक है। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी, नहीं मुश्किल है, मैं काम कर रहा हूं। उधर चलो वो जाके ना, वो बांध रहे, जिमनास्टिक पर जाना है लेकिन वो जाके बांध रहे हैं, मेरे पास मेहमान बैठे हैं तो वो ना वहां चले जाओ सीधे। बच्चे बाकी चले गए, आप चले जाओ वहां जाके उनके साथ ना, वो हाँ वो बांध रहे हैं गट्ठा सा ना वहां, जिसके ऊपर में कलाबाजी लगानी। ओके पक्का नहीं, अभी मैंने वो जो ये ओपन किया दरम्यान में कॉल आ गई थी, हाँ हाँ तो ये मेरे पास वो इमेज पड़े हैं। अभी मैं इनमें से एक इमेज की प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, ये चेक करना है डिटेल में से, तो डिटेल में हमें बताएगा कि ये जो डिटेल आ रही वो बता रहा है 2460x1080, यानी इतनी डिमेंशन है इसकी और 60 फ्रेम रेट, वो तो हमें खैर पता ही था, ठीक है। तो अब हमने इसको खत्म किया, उसके बाद हम यहाँ ही चलते हैं डाउनलोड में। यहाँ जाके मेरे ख्याल में ये तीसरे नंबर वाली ये हमारे पास वीडियो थी, इसको चेक करते, हाँ बिल्कुल यही थी। और इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं और डिटेल देखते हैं, तो ये बताता है कि मैं ये फुल HD है, वो इससे ज्यादा है, ठीक है। अब हम वीडियो नीचे रखनी और वो ऊपर, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है, इसकी रेजोल्यूशन कम है, तो उसके लिए सिंपल एक तरीका, मैं जरा आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लूँ। आफ्टर इफेक्ट ऐसे ओपन किया है, या जब स्टार्ट में हो तो यहाँ से न्यू ले सकती हो, ठीक है। बिल्कुल मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ कि यहाँ जाके आपने न्यू लेना है। मैं काट देता हूँ इसको एक बार फिर, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, और मैं हद मेरे बबर शेर इसमें एक एक चीज़ कवर करना चाह रहा हूँ। कुछ भी है आपने इसको ओके, ये जो भी बक बक आती है स्टार्ट में, इसको कुछ भी नहीं, फाइल में जाना, आपने न्यू में जाना और न्यू प्रोजेक्ट ले लेना, ठीक है। अभी वहां जाते हैं, जो हमें उसने रेजोल्यूशन बताई है कि जी मेरे पास ये डेस्कटॉप पर हमारे पास जो अल्फा पड़ा था, अल्फा 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 PNG, इसमें से मैं एक PNG आफ्टर इफेक्ट ला कर रख देता हूँ, तो ये है असल रेजोल्यूशन, ठीक है, ये असल रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब इसने खुद ही एक कॉम्प बना दी, कॉम्प मीन ये उतना जो वर्क एरिया इसने बना दिया है नीचे, और इसकी जो चाहिए फ्रेम रेट जो आए हैं ये 29 के हिसाब से हैं, और इसने साइज इसका वो लगा दिया है सेम। अब नीचे वाला JPG इमेज आप डिलीट कर दो, खाली हमारे पास कॉम्प रहेगी है, यानी ये एरिया रह गया है, ठीक है। अब मैं वैसे भी ले सकता था यहाँ से न्यू कॉम्प, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि ये ऊपर पेस्ट करनी थी, पहले ये बड़ा साइज है इसलिए मैंने ये ले लिया कि अब छोटे साइज वाली वीडियो इस पर हम रख सकेंगे। शायद अगर बात की समझ नहीं आई तो हम यहाँ जाके फाइल में जाके न्यू में जाके कलर
जब जब लेते हैं या यहाँ क्लिक करके न्यू कंपोजिशन भी आप ले सकती हो, यहाँ जाके आप उसको वो रेजोल्यूशन दे सकती हो जिस तरह की हमें कॉन्क चाहिए, ठीक है, वहाँ भी जाके कर सकती हो, नो इशू, कितने फ्रेम रेट ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो डिलीट करो तो वो चली गई। मैं चला गया डाउनलोड में, हाँ डाउनलोड में चला गया, यहाँ जाके मेरे पास ये तीसरे नंबर पर ये आती, इसको मैंने ड्रैग करके चलो यहाँ रख लिया। तो ये तो हम उसको अगर नीचे रख लेते हैं और इसको ऊपर ड्रेक करते हैं, अब या तो नीचे वाला साइज उतना करना है या ऊपर वाला साइज उसके बराबर करना है। तो ऊपर वाली लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली है और अल्ट कंट्रोल एफ, ऊपर वाली कॉम्प उसके बराबर होगी। कान को इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही है कि नीचे वाले की बजाय जो ऊपर वाली कॉम्प है वो बराबर कर दी, और जो क्या नाम है ये अल्ट कंट्रोल एफ, अल्ट कंट्रोल एफ से मैंने बराबर कर दी। अगर मैं अल्ट कंट्रोल जी प्रेस करता हूं, इसका फ्रेम रेट आ जाता है 30, और ऊपर जाता हूं अल्ट कंट्रोल जी तो उसका फ्रेम रेट भी 30 आ जाता है, जिसमें ये रेंडर हुई थी पीएनजी में। अच्छा, यहां आफ्टर इफेक्ट का जो एक बेसिक मैं फंडा बता दूं कि विंडोज में अगर ये खराब हो जाए वर्कस्पेस तो आपने डिफॉल्ट में रहना है, ओके बिल्कुल क्लियर है, शिफ्ट F10 दबा लेना है। एक चीज यहां जाके आप कोई भी चीज इंपोर्ट करती हो, ये इसकी टाइमलाइन है, स्टार्ट से काटना है कभी भी पूरी तो B दबाना है, और एंड से काटना है तो N दबाना है, और कंट्रोल शिफ्ट X करोगी तो ये इधर वाला फालतू एरिया कट जाएगा जो आपने काट दिया। खैर मैंने तो नहीं काटना, तो ये कमांड भी लिख लेना, कंट्रोल शिफ्ट B, सॉरी स्टार्ट में B, एंड पर N, और फिर कंट्रोल शिफ्ट एक्स। अब चूंकि मुझे ये यहां तक मैंने वहां से रेंडर किया था, यहां तक इसके बाद बला नहीं है, तो मैं यहां ही रहूंगा, यहां रहते हुए मैं कंट्रोल शिफ्ट, हाँ पहले एन दबाऊंगा, फालतू एरिया कट जाएगा उनका, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। अब मेरे पास रहे इतनी चीज गई है, ये गई यहाँ, एन दबाऊंगा काटने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट एक्स, अब मेरे पास ये लेयर्स रहेगी बराबर होगी, नीचे वाला भी काट गया और ये हमारा बन गया सीन। इसको हम रेंडर करना है तो कंट्रोल एम, सबसे पहले यहां आपने कर लेना है H264, और यहाँ जो नॉट लिखा है यहाँ आपने देना है एड्रेस, ठीक है, रेंडर डायनो सेव करना है, यहाँ जाके बस रेंडर पर क्लिक कर देना है। लो भाई रिजल्ट आपके सामने, इतनी सी वीडियो बनाने के लिए इतनी खपत, लेकिन बाकमाल पाँव भी नीचे लग रहे हैं और ज़बरदस्त चीज़, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।